दोस्तों नमस्कार, ICS की YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग जानेंगे कि भारत में डचों का आगमन और अंग्रेजों का जब आगमन हुआ भारत में तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जब यूरोपीय कंपनियां भारत आई, उनमें से सबसे पहले जो व्यक्ति आया वो था वास्को डी गामा, 1498 में आया। वास्को डी गामा जब भारत आया, यहाँ से उसने बहुत सारे मसाले खरीदे और उन मसालों को खरीद कर उसने क्या किया, यूरोपीय बाजारों में बेच दिया। इससे उसको साढ़ लाभ हुआ। इस लाभ को देखकर अन्य यूरोपीय देश थे, उसने दूसरा नंबर है वो है डचों का, डच भारत है, इनको हम लोग हॉलैंड वाले, हॉलैंड के निवासी बोलते हैं। ये भारत में 1596 में आए और इन्होंने जो अपना व्यापार शुरू किया वो इंडोनेशियाई क्षेत्र से शुरू किया, मसाला भी इंडोनेशियाई। द्वीपों से शुरू किया, हॉलैंड का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सरल क्षेत्र है और वहाँ के जो निवासी लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, वो मांस का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। जो मसाले का व्यापार इंडोनेशियाई क्षेत्र से डच करते थे, उसको जब वहाँ पे ले जाते थे यूरोप में, तो मांस पे लगाकर जब वहाँ के लोग खाते थे तो उन्हें बहुत अच्छा स्वाद आता था। जब बहुत अच्छा स्वाद मिलता था, इसलिए ये जो यहाँ का मसाला था वो श्रेष्ठ क्वालिटी का था, पूरी जायकेदार था। तो यहाँ का जो मसाला था वो यूरोप में जब जाता था तो उसकी बहुत ही ज़्यादा मांग होती थी, इसलिए ये लोग यहाँ से कम दामों पर मसाले खरीदते थे और वहाँ पर अधिक से अधिक दामों में उसको बेच देते थे। ये कंडीशन थी, अधिक से अधिक दामों में उसको क्या करते थे, बेच देते थे। तो इन्होंने मसाले का व्यापार कहाँ से किया, इंडोनेशिया क्षेत्र से। 1602 में इन्होंने पहली व्यापारिक फैक्ट्री जो खोली वो मसूलीपट्टनम में खोली। 1602 में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली, वो कहाँ खोली, मसूलीपट्टनम में। अब ये क्या करते थे, मसूलीपट्टनम से ये अधिकांश जो अपना व्यापार करते थे वो कपड़ों का, वस्त्रों का व्यापार करते थे। मसालों की ये जो आपूर्ति थे ये लोग इंडोनेशिया से कर लेते थे, मसालों की इनकी जो आपूर्ति थी वो इंडोनेशिया से कर लेते थे, जबकि भारत में ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। भारत में ये क्या करते थे, वस्त्रों का व्यापार करते थे। और इसी क्रम में इन्होंने 1610 में पुलिकट क्षेत्र को कब्जा किया, 1610 में पुलिकट क्षेत्र को कब्जा किया और उसके बाद 1616 में सूरत क्षेत्र को इन्होंने कब्जा किया। फिर उसके बाद में बालासोर का जो क्षेत्र था वहां पे कब्जा किया, पटना का क्षेत्र था वहां पे कब्जा किया, फिर कासिम बाजार पे कब्जा किया। और इस तरीके से ये अपने व्यापार बंद को भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से स्थापित कर रहे थे। दिक्कत जब आई, जब 1759 में इनका सामना अंग्रेजों से होता है, क्योंकि ये अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे और अंग्रेजी कंपनियों के दमन के फिराक में थे, लेकिन उस दमन को अंग्रेजों ने बहुत हद तक रोका और 1459 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होता है, जिसमें डचों की पराजय होती है, जिसमें क्या होता है, डचों की पराजय होती है। डचों की पराजय होती है और इस तरीके से डचों का जो आधिपत्य था वो भारत से बिल्कुल ही समाप्त हो गया। तो पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद डच जो है वो भारत से चले गए,
तो 1559 का जो वेदरा का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के बाद डचों का जो प्रभुत्व था वो भारत से बिल्कुल ही समाप्त हो गया। भारत में कब यह है, 1596 में है। भारत में अधिकांश ये व्यापार किससे करते थे, तो ये मसूरीपट्टनम से करते थे। और किस चीज का करते थे, तो वो वस्त्रों का करते थे। जबकि मसालों का व्यापार वो कहाँ से करते थे, मसालों का व्यापार, संपूर्ण मसालों का व्यापार वो इंडोनेशिया क्षेत्र से करते थे। बहुत अधिकांश मात्रा में जो मसाला था वो इंडोनेशिया से ले जाकर यूरोपीय बाजारों में बेचते थे। इनका कुछ प्रभुत्व श्रीलंका क्षेत्र में भी रहा है, कुछ प्रभुत्व इनका श्रीलंका क्षेत्र में भी रहा है। और अंतिम अगर बात की जाए, संघर्ष की बात की जाए, तो 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ, और इस युद्ध के बाद इनका संपूर्ण प्रभुत्व जो था वो भारत से बिल्कुल ही समाप्त हो गया। तो पूछा जाए कि भारत में इनकी पहली जो कंपनी है वो कहाँ स्थापित हुई, तो मसूरीपट्टनम में 1602 में हुई। उसके बाद ये लगातार कई स्थानों पर कब्जा करते रहे। 1610 में उन्होंने पुलिकट किया, 1616 में सूरत किया, 1616 में उन्होंने सूरत में कब्जा किया। उसके बाद 1200 और पटना और श्रीलंका तक कासिम बाजार के क्षेत्रों में ये लोग कब्जा करते रहे। अब हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजों की क्या स्थिति, अंग्रेज भारत में किस प्रकार से आए और उन्हें आपको किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। बात की 31 दिसंबर 1600 की, ब्रिटिश की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और इस कंपनी का मूल उद्देश्य था कि यूरोपीय क्षेत्रों में, एशियाई क्षेत्रों में, एशियाई क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना। एशियाई क्षेत्रों में उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जाकर व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा देना, भारत में व्यापार को बढ़ावा देना। एशियाई क्षेत्रों में भी मूल उनका जो उद्देश्य था वो भारतीय क्षेत्रों में था, क्योंकि उन लोगों ने सुन रखा था कि भारत एक क्या है, सोने की चिड़िया आया है। उन्होंने सुना था कि वास्को डी गामा आया, उसने 60 गुना लाभ कमाया, उसके बाद डच गए, उन्होंने लाभ कमाया। तो इसी इन सारी चीज़ों को देखते हुए अंग्रेजों का भी बहुत ही मन हुआ जाए कहाँ, यूरोपीय क्षेत्रों में, और यूरोपीय क्षेत्रों में मुख्यतः कहाँ जाए, भारत में, और भारत में जाकर वहाँ पर अपने आप को स्थापित करें। जेम्स प्रथम कैप्टन हॉकिंस को दरबार में बुलाते हैं। 1603 में जेम्स प्रथम जो वहां पे शासक थे इंग्लैंड में, तो उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को दरबार में बुलाया और उसको अकबर के नाम का पत्र दिया। अकबर के नाम का पत्र दिया और कहा भारत जाओ, कहा एशिया महाद्वीप में देश पड़ता है उसका नाम भारत है, और भारत जाओ, भारत में वहां का जो शासक है अकबर उससे हमारी कुछ व्यापारिक कंपनियों की अनुमति लेकर आओ। कैप्टन हॉकिंस को यूं कहता, कैप्टन हॉकिंस जो था वो तुर्की भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत ही ज्यादा तुर्की भाषा को अच्छी तरीके से जानता था। कहीं भी अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की भाषा के बारे में अच्छी सी पकड़ बनाएं, अच्छे से उनके बारे में जानें। अगर किसी भी व्यक्ति से आप वार्तालाप करते हो, अगर वो वार्तालाप जो है आपका उसकी मातृभाषा में हो तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अक्सर आप देखते हो कि जब भी नरेंद्र मोदी किसी यात्रा पर जाते हैं तो एक ऐसा वर्ड खोज ही लेते हैं जो वहाँ के लोगों से संबद्ध होता है। अगर यूपी में आएंगे तो यूपी का
कोई ना कोई एक ऐसा स्लोगन या कोई ना कोई ऐसी धार्मिक परिप्रेक्ष्य से उस चीजों को जोड़ देते हैं। इसलिए क्या है कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहते हैं। जैसे लास्ट टाइम एक बार तंजानिया गए तो वहां पे क्या किया, नगाड़ा बजा दिया जाकर, तंजानिया का नगाड़ा बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसी तरीके से क्या कि किसी भी क्षेत्र में जब आप जाते हो, अगर आपने आपको स्थापित करना है तो वहां की भाषा के बारे में आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जेम्स पर्थम ने कैप्टन हॉकिंस को अकबर के नाम पर पत्र दिया और कहा जाओ भारत में कंपनियों को स्थापित करने के लिए अनुमति लेकर आओ। कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन जहाज से भारत आता है, रेड ड्रैगन जहाज से भारत आता है और इसको आने में 5 साल लग गए। इसको आने में कितने साल लग गए? 5 साल लग गए। और 1608 में यह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, यह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। कब? 1608 में यह कहां पहुंचा? जहांगीर के दरबार में पहुंचा और पहली व्यापारिक फैक्ट्री की अनुमति प्राप्त की। पहली व्यापारिक फैक्ट्री की अनुमति कहां प्राप्त की? सूरत में। पहली व्यापारिक फैक्ट्री की अनुमति सूरत में प्राप्त की। तो क्वेश्चन यह आएगा कि कैप्टन हॉकिंस को भारत किसने भेजा? तो जेम्स प्रथम ने भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 में जब उसकी स्थापना हुई। तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। और जब जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा तो उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचा तो उस समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर। उस समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर। अक्सर एनसीईआरटी की किताबों में दिया गया है, कक्षा 7 की किताब में दिया गया है एनसीईआरटी की, कि पहली जो अंग्रेजी फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में खोली गई। पहली जो अंग्रेजी फैक्ट्री है वो कहाँ खोली गई? मसूलीपट्टनम में खोली गई 1611 में। एक्चुअली हुआ क्या था, 1608 में जब सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति कैप्टन हॉकिंस ने प्राप्त की तो उसी समय कुछ विवाद हो गया। उसी समय क्या हो गया? कुछ विवाद हो गया जहांगीर से। इस कारण जहांगीर ने जो निर्माण कार्य उस फैक्ट्री सूरत की फैक्ट्री में चल रहा था उसको रोक दिया। जब इस निर्माण कार्य को रोक लिया तो अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी 1611 में फैक्ट्री स्थापित की। तत्पश्चात 1613 में सूरत की फैक्ट्री का कार्य पूरा किया। सूरत की फैक्ट्री का जो कार्य था वो पूरा कर लिया गया। प्रश्न यह आएगा कि भारत में सबसे पहले जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री कहाँ खोली? तो सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने फैक्ट्री सूरत में खोली। लेकिन पूर्ण रूप से बात की जाए तो पूर्ण रूप से जो फैक्ट्री है वो कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में। पूर्ण रूप से जो फैक्ट्री उन्होंने कहाँ खोली? वो मसूलीपट्टनम में खोली। और क्या घटनाएं घटी? 1615 में जहांगीर के दरबार में आता है सर टॉमस रो की मुख्य नीति क्या थी? चेतावनी देना। अगर उसकी कोई बात नहीं मानता है, क्योंकि संपूर्ण अंग्रेजों की ही यही नीति थी कि चेतावनी देना, संधि करना, चेतावनी देना, संधि करना, आक्रमण करना, आक्रमण करना और अगर आक्रमण करने के बाद क्या करना? क्षेत्रों पर कब्जा कर लेना, ये इनकी नीति रही। तत्पश्चात एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई 1632 में। 1632 में क्या हुआ? 1632 में गोलकुंडा से इनको सुनहरा फरमान मिला, इस सुनहरा फरमान में क्या था कि ये गोलकुंडा में क्या कर सकते थे? मुक्त व्यापार कर सकते थे। क्या कर सकते थे? मुक्त व्यापार कर सकते थे। गोलकुंडा में ये क्या कर सकते थे? मुक्त व्यापार कर सकते थे। उन पर इन पर क्या है? कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा।
इस सुनहरे फरमान के बाद सोलह सौ चालीस में मद्रास क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, को हथिया लिया, मद्रास क्षेत्र को हथिया लिया। तो उस समय जो शासक कौन था, उस समय शासक कौन था, शाहजहां था। धीरे धीरे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में आता है फारूक सियर, इसको घृणित कायर भी बोला जाता था, इसको क्या बोला जाता था, घृणित कायर भी बोला जाता था। तो इसने क्या किया, एक पत्र जारी किया, एक मैग्ना कार्टा पत्र जारी किया, इसके लिए अंग्रेजों के लिए इसने क्या किया, एक मैग्ना कार्टा पत्र जारी किया। मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है क्या, अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। तो इसने मैग्ना कार्टा एक पत्र जारी किया किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, और इसने बहुत सारी रियायतें दे दी। इसमें क्या किया, बहुत सारी रियायतें दे दी। तो वो रियायतें क्या थी, आइए जानते हैं उन रियायतों के बारे में। सत्रह सौ सत्रह में सर जॉन शर्मन एक अंग्रेज था। तो उसने क्या प्राप्त किया, फारूक सियर से क्या प्राप्त किया, एक अधिकार पत्र प्राप्त किया, एक मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा प्राप्त किया। इस मैग्ना कार्टा में क्या था, इस मैग्ना कार्टा में कलकत्ता क्षेत्र पर ये लोग बिल्कुल ही फ्री व्यापार कर सकते थे, बिल्कुल ही फ्री मतलब स्वतंत्र थे व्यापार करने के लिए, और वहां क्या कर सकते थे, राजस्व वसूल कर सकते थे। वहां का जितना भी राजस्व होता था वो कौन वसूल करते थे, अंग्रेज वसूल करते थे। इसके बाद में 30,000 रुपये पर संपूर्ण बंगाल पे राजस्व वसूल कर सकते थे, संपूर्ण बंगाल था वहां पे मुक्त व्यापार कर सकते थे, बहुत ज्यादा छूट थी उसमें, और मुक्त व्यापार के साथ साथ ये क्या कर सकते थे, संपूर्ण वहां का जो राजस्व था वो ये लोग वसूल कर सकते थे। उसके अलावा जो जहांगीर के शासनकाल में सूरत प्राप्त हुआ था, तो उसको 10,000 पर इस मैग्ना कार्टा के पत्र के आधार पर 10,000 पर इनको क्या मिल गया, सूरत मिल गया फ्री व्यापार के लिए, क्या मिल गया, सूरत मिल गया। और चौथे नंबर की बात की जाए अगर, चौथे नंबर पर इनको क्या मिल गया, मुंबई में जितने बंबई प्रांत ने जितने भी सिक्के चल रहे थे वो संपूर्ण भारत में उनका लेन देन किया जा सकता है। अंग्रेज अपने सिक्के मुंबई प्रांत में चला रहे थे, जो मुंबई प्रांत में अपने सिक्के चला रहे थे उनको संपूर्ण भारत में वो चला सकते थे। क्या कर सकते थे, जो सिक्के चल रहे थे उनको क्या कर सकते थे, संपूर्ण भारत में चला सकते थे, संपूर्ण भारत में चला सकते थे, जितने भी सिक्के थे उनको क्या कर सकते थे, संपूर्ण भारत में चला सकते थे। इसके बाद एक और पहले इनका पुर्तगालियों से बहुत ज़्यादा तनाव रहता था, बहुत ज़्यादा इनके झगड़े बने रहते थे, कभी कभार तो बात युद्ध भी आ जाती थी, लेकिन समय परिस्थिति के साथ अंग्रेजों ने अपनी नौसैनिक स्थिति बढ़ाई, और इसी को ध्यान में रखते हुए 1761 में पुर्तगाली राजकुमारी
पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का जो विवाह था, इनका जो विवाह था वो किससे हो गया? अंग्रेजी अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह किससे हो गया? अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से उसका विवाह हो गया। और विवाह होने के पश्चात क्या मिला इनको? इस विवाह में चार्ल्स को बंबई प्रांत दहेज में मिल गया। बंबई प्रांत क्या मिल गया? दहेज में मिल गया। तो जब ये दहेज में मिल गया कुछ समय के बाद 1759 में इस बंबई को 10 पाउंड पर इस बंबई को 10 पाउंड पर कंपनी को दे दिया। चार्ल्स ने इस बंबई को 10 पाउंड पर क्या कर दिया? कंपनी को दे दिया। कंपनी को लीड कौन करता था? कंपनी को लीड करने के लिए 24 सदस्य तो 24 सदस्य एक संगठन था वो कंपनी को लीड करता था। लेकिन इस कंपनी का जो संपूर्ण लेन देन था उसमें एक ब्रिटिश सरकार की एक हिस्सेदारी थी। ब्रिटिश सरकार की क्या थी? एक हिस्सेदारी की थी। और जब ये कंपनी आई थी ये प्रारंभ में सिर्फ 15 वर्षों के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये अपना आधिपत्य जो है वो भारत में बढ़ाती चली गई। धीरे धीरे क्या किया इसने? अपना आधिपत्य जो है वो भारत में क्या किया? बढ़ाती चली गई। ऐसा नहीं है कि इनका विरोध नहीं हुआ। समय परिस्थिति के अनुसार जो मुगल शासक थे उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन अंग्रेजों का क्या था कि संधि कर, जहां उनका फायदा होता था वहां पे संधि कर लेते थे, जहां पर उनको लगता था कि वो जीत जाएंगे वहां पे युद्ध कर लेते थे। तो ये पूरी स्थिति थी उस समय। 1688 में हुगली प्रांत, 1688 में हुगली प्रांत पर अंग्रेजों ने आधिपत्य कर लिया। हुगली प्रांत पे क्या किया अंग्रेजों ने? आधिपत्य कर लिया। उस समय भारत का जो शासक था वो औरंगजेब था, जिसको जिंदा पीर कहा जाता था। तो उस समय भारत का शासक कौन था? औरंगजेब था। तो औरंगजेब को जब इन्होंने हुगली प्रांत पे कब्जा कर लिया तो ये बात औरंगजेब को रास नहीं आई। तो औरंगजेब ने तुरंत ही सैनिक भेजकर, औरंगजेब ने तुरंत ही क्या किया सेना भेजी, और सेना भेजकर वहां पे जितने भी थे अंग्रेज सैनिक उनको बंधक बना लिया। उनको क्या किया? बंधक बना लिया। तो इस बीच सर जॉन चाइल्ड एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। एक अंग्रेजी शासक थे। तो वो औरंगजेब के दरबार में गए और उन्होंने क्या किया? और संधि कर ली। क्या कर ली? संधि कर ली। औरंगजेब के दरबार में गए और इन्होंने संधि कर ली। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या था, इनका जो आधिपत्य था वो भारत में बढ़ता जा रहा था। इन्होंने फिर क्या किया? बंबई तीन प्रेसिडेंसियों की स्थापना की। एक तो बंबई, फिर ये सारे बंगाल क्षेत्र थे मद्रास और इधर कोलकाता। बंबई मद्रास और कोलकाता तीन प्रेसिडेंसियों से क्या किया इन्होंने? शासन करना शुरू कर दिया। ये क्या थे? ये बंदरगाह थे और ये इनकी क्या थी? तीन प्रेसिडेंसियां थी। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? फोर्ट बनाने लगे। क्या किया? किले बनाने लगे।
जॉर्ज। किला बनाया इन्होंने, कहाँ बनाया ये? मद्रास में बनाया। इसके बाद फोर्ट लुई पांडिचेरी में बनाया। फोर्ट विलियम कोलकाता में बनाया। ये क्वेश्चन आते हैं अक्सर। कोलकाता में बनाया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई, उस समय क्या स्थिति थी भारत की, और डच भारत में किस तरीके से आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।